हाय दोस्तों, मैं मुलिता सिंह, मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ एक नए डिश के साथ। आइए आज फिर हम बनाते हैं आलू दम। आलू दम बनाने के लिए मैंने आलू ले लिया है मीडियम साइज़ का। मैंने इसको उबाल के छील लिया है, साफ़ कर लिया इसे। और अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। ये मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया गर्म होने के लिए, और अब इसको हम तलने के लिए सारे आलू डाल देते हैं। हमने सारे आलू को डाल दिया है, और अब से हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए आलू ब्राउन, मैंने इसको तल लिया है, और अब इसे हम निकाल लेते हैं। हम अब इसे निकाल लेते हैं। आप चाहे तो आलू को छोटे छोटे आलू ले लें मीडियम, और उसे आलू को कच्चे भी ऐसे फ्राई कर सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों अब अपने मसाले को फ्राई कर लेते हैं। मैं लहसुन डाल रही हूँ, और कांदा है। इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम भून लेते हैं मसाले को। देखिए प्याज हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं काजू, इसको भी फ्राई कर लेते हैं। हमने ये 2 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम टमाटर डालते हैं। टमाटर सॉफ्ट होने तक इसमें हल्का नमक डालेंगे हम। इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। ग्रेवी में हम डालेंगे और नमक। नमक डालने से जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा टमाटर हमारा। देखिए मसाला तैयार है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसको हम ग्राइंडर में करके पीस लेते हैं। इसका हम पेस्ट बनाएंगे, तो हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए मैंने कढ़ाई रखा है, उसमें तेल गर्म हो गया। अब हम उसमें डालेंगे तेज पत्ता और 2 इलायची छोटी वाली, 8 से 10 काली मिर्च, थोड़ा सा साबुत धनिया। धोने देते हैं पेस्ट। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए मसाला हमारा ये भून गया है। 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालें, जैसा तीखा खाते हो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गरम देखिए, और अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के भून लेते हैं मसाले को अपने। देखिए 5 मिनट हो गया है, मसाला अच्छी तरह से तेल को छोड़ दिया है। अच्छी तरह हमारा मसाला भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। मैंने 1.5 कप जितना पानी डाला है। अब इसको हम उबाल आने देते हैं। इसमें नमक डाल देते हैं, और उबाल आने के लिए हम कर देते हैं स्वाद के अनुसार डालिए, क्योंकि नमक हमने आगे भी डाला था मसाले में भी, इसके लिए हम थोड़ा ही नमक डालेंगे। और अब हम ढक देते हैं। इसमें उबाल आने दीजिए। देखिए अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। और अब हम इसमें आलू को डाल देते हैं। अब इसको हम और पकाएंगे आलू डाल के, तो भी ग्रेवी को एडजस्ट कर ले। देखिए हमारी ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो गई है, और
बन के तैयार है। अब इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। हमारी बिरयानी आलू दम बन के हमारा तैयार है। और अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए हमारा आलू दम बन के तैयार हो गया है। कैसी लगी हमारी डिश मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे, मेरी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले डिश में, तब तक के लिए जय हिंद।